शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। इन ब्रजवासियों को मैंने उपलों में परिवर्तित कर दिया है, बाकी ब्रजवासियों को भी उपला बनाकर सबका एक साथ मैं यहाँ दहन करूंगी। इस घटना के बाद इस संसार में कोई भी होलिका दहन का उत्सव नहीं मनाएगा। यदि किसी ने होली का उत्सव मनाने का दुस्साहस भी किया तो वो यूं ही भस्म हो जाएगा। मैं इतना भय भर दूंगी लोगों के मन में कि होलिका दहन के नाम से भी भयभीत होंगे सब। होलिका, होलिका, संसार भय को नहीं अभी तो प्रेम से किए गए स्थापना को स्मरण रखता है। इसलिए यदि संसार से होली का उत्सव समाप्त हो गया तो होलिका का अस्तित्व भी समाप्त हो जाएगा। कोई तुम्हें स्मरण नहीं रखेगा होलिका। काना, यदि संसार मुझे बुराई के रूप में ही स्मरण करता रहेगा, बुराई का प्रतीक ही मानता रहेगा तो ऐसे स्मरण का क्या लाभ? इससे अच्छा तो मेरे अस्तित्व का मिट जाना ही है। परंतु अब मैं नहीं मिटूंगी, मिटेगा तो ये संसार। होलिका, मनुष्य का जैसा कर्म होता है उसे फल भी वैसा ही प्राप्त होता है। तुमने भक्त प्रहलाद के साथ अनर्थ किया था तो फिर लोग तुम्हें अच्छाई के रूप में कैसे स्मरण रखेंगे? प्रभु, यही तो विडंबना है कि आप भी मेरे इस दुख को समझ नहीं पाए। उस अग्नि के मध्य प्रहलाद और मेरे मध्य क्या हुआ ये कोई नहीं जान पाया। प्रभु, इस संसार ने मुझे बुराई का प्रतीक मान लिया जबकि सत इसके विपरीत है। तुम्हारा सत्य सारा संसार जानता है कि तुमने अपने भाई हिरण्यकश्यप के कहने पर भक्त प्रहलाद का अंत करने का प्रयास किया था। ये सत्य नहीं है प्रभु। सत्य तो ये है कि मैंने अपने भ्राता हिरण्यकश्यप को ये समझाने का प्रयास किया कि वो भक्ति के लिए संकट न बने, परंतु वो नहीं माना। तब मैंने ये निर्णय लिया कि भ्राता हिरण्यकश्यप को भक्ति की शक्ति दिखानी पड़ेगी और इसलिए मैंने प्रहलाद को अग्नि के अंदर प्रवेश करवाया था। काना, ये तुम क्या कह रही होलिका? संसार को तुम्हारे इस पक्ष के विषय में कुछ भी ज्ञात नहीं। बताओ मुझे, उस काल में क्या हुआ था? आज मैं संसार को अपना सत्य अवश्य बताऊंगी। आपसे अपना दुख अवश्य कहूंगी। आज ये संपूर्ण जगत जानेगा कि उस अग्नि में मेरे और प्रहलाद के मध्य क्या घटा था। भक्त प्रहलाद, तुम्हारा इस संसार में सुरक्षित रहना अत्यंत आवश्यक है। तुम सुरक्षित रहोगे तो संसार में भक्ति सुरक्षित रहेगी और भक्ति सुरक्षित रहेगी तो संसार सुरक्षित रहेगा। ये क्या कह रहे हो बुआ? भक्त प्रहलाद, ये दिव्य वस्त्र धारण कर लो, क्योंकि इस दिव्य वस्त्र को धारण करने से अग्नि तुम्हें जला नहीं पाएगी। ये दिव्य वस्त्र मैंने महादेव से प्राप्त किया है। पर आप बुआ, तुम मेरी चिंता मत करो प्रहलाद। तुम इस असुर कुल के प्रथम बालक हो जो भक्ति मार्ग पर है, इसलिए तुम्हारी रक्षा के लिए मुझे स्वयं का ये बलिदान सहर्ष स्वीकार है। प्रभु, किंतु उस बलिदान के पश्चात भी इस संसार ने मुझे बुराई का प्रतीक माना।
आप ही बताइए, ऐसे जीवन का क्या अर्थ है प्रभु? क्यों मुझे मृत्यु के पश्चात भी कलंकित होना पड़ा प्रभु? क्या अर्थ निकला मेरे इस धर्मपूर्ण बलिदान का? होलिका, संसार तुम्हें कभी समझ नहीं पाए, पर धर्म का फल कभी निष्फल नहीं जाता। इसलिए आज मैं तुम्हें ये वरदान देता हूँ कि संसार आज से तुम्हें बुराई का प्रतीक नहीं, अभी तो बुराई का नाश करने वाली देवी के रूप में जाने। अब लोग होलिका कल अपने जीवन में व्याप्त बुराइयों का प्रतिदहन करेंगे और तुम्हें एक देवी सा सम्मान दे, तुम्हारी पूजा करेंगे और स्थापना कार्य मुझसे होगा, ब्रज मंडल की इस धरती से होगा। प्रभु, मैं जानती थी कि केवल आप ही मेरा उद्धार कर सकते हैं, केवल आप ही मेरे सत्य को इस संसार में स्थापित कर सकते हैं। मुझे मेरे कर्मों का फल देकर आपने मुझे इस जीवन से सदा सदा के लिए मुक्त कर दिया। अपने क्रोध में मैंने ब्रजवासियों के साथ जो अधर्म किया है उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए, परंतु मेरी मुक्ति के साथ ही ये सभी ब्रजवासी अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाएंगे, ब्रज का सारा संकट समाप्त हो जाएगा। इसलिए अब मुझे आज्ञा दे प्रभु। प्रणाम। मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? मैं तो केले के पत्ते लेने गया था ब्रह्मणी देवी की पूजा के लिए। सुंदर काका, ब्रह्मणी देवी की पूजा पूर्ण हो गई है, ब्रज मंडल के होली के रंग पुनः आ गए हैं, इसलिए आप होली की तैयारी कीजिए काका। ठीक है काना, चलो सब लोग। हे होलिका, आज संसार को तुम्हारे सत्य का ज्ञान हो गया है, अब तुम्हारे जीवन और संसार के सभी संकट समाप्त हो गए, अब ब्रज मंडल में धूमधाम से होली मनेगी। ये तुम क्या कह रहे हो कान्हा? हम होलिका को कैसे पूछ सकते हैं? हाँ कान्हा, जिस होलिका ने हमारे साथ इतना अनर्थ किया, तुम उसका ये पक्ष ले रहे हो, उसे ही देवी बना जाते हो? ताऊ मैया, मैं होलिका को देवी नहीं बना रहा, अभी तो वो है ही देवी। उसने भक्त प्रहलाद की रक्षा की थी, वो तो संसार कभी होलिका का पक्ष नहीं समझ पाया, इसलिए संसार उसे बुराई का प्रतीक मानने लगा था। पर सत्य तो ये है कि होलिका ने धर्म का पक्ष लिया था, भक्ति का पक्ष लिया था, इसीलिए हमें होलिका को बुराई का नाश करने वाली देवी के रूप में पूजना ही चाहिए। पर कान्हा, यदि होलिका बुराई की नाश करने वाली देवी है तो पनिहारिन के रूप में आकर उसने ब्रज और ब्रजवासियों के साथ अधर्म क्यों किया? मैया, वो ब्रज मंडल के लिए संकट नहीं बनना चाहती थी, अभी तो वो पनिहारिन के रूप में अपना सत्य बताने आई थी, पर परिस्थितियां ऐसी बनती गई कि उसे ऐसे कर्म करने के लिए विवश होना पड़ा था। इसमें दोष होलिका का नहीं, अभी तो परिस्थितियों का था मैया। पर कान्हा, यदि होलिका संसार पर पुनः संकट बनी तो? मैया, यदि हम होलिका के धर्म पूर्ण कार्यों के महत्व को स्वीकार करेंगे, यदि उसे देवी का स्थान देंगे तो वो सदा संसार का हित ही करेगी, वो संसार के लिए कभी संकट नहीं बनेगी। मैया, वो संसार की बुराई का नाश करेगी। ठीक है कान्हा, यदि ये तुम्हारा विश्वास है तो हम तुम्हारे विश्वास के साथ हैं। अब तक हम होलिका को बुराई का प्रतीक मानते थे, पर आज से हम होलिका को
बुराई का नाश करने वाली देवी मानेंगे। तो बोलो होलिका देवी की जय। बुराई का विनाश करने वाली होलिका की जय। सखाओ, शाम को गोद वाले बेला के पश्चात होलिका दहन का मुहूर्त है, इसलिए सबको जाकर सूचित कर दो कि सब दहन स्थल पर उपस्थित रहे। और हाँ, इस बार होलिका दहन के उत्सव में सभी स्त्रियां भी सम्मिलित होगी, क्योंकि होलिका के ऊपर जो पाप और कलंक लगा था वो अब हट चुका है। दुनिया की नजरों से परे तुलसी के बनने सारथी आ रहे हैं तुलसी धाम के लड्डू गोपाल, सिर्फ शेमारू टीवी पर।